अपने बिजनेस कारोबार को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी रिपोर्टर की इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। शनिवार से शुरू होगा वाशी का एपीएमसी मार्केट, पूरी तरह से लॉकडाउन है वाशी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वाशी का थोक बाजार एपीएमसी मार्केट, जहां से अनाज की सप्लाई लगभग मुंबई, ठाणे और अन्य जगहों पर सब जगह होती है, क्या स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं इस मार्केट की। साथ ही वाशी में क्या स्थिति है लॉकडाउन को लेकर के, कोरोना वायरस के चलते कैसे वाशी में लोग एहतियात बरत रहे हैं, सड़कें कैसी सूनी पड़ी हुई है, पूरा वाशी का एपीएमसी मार्केट कैसा सूना पड़ा हुआ है। वहीं बुधवार 25 मार्च को कोंकण डिविजनल कमिश्नर शिवाजी राव दौंड की अध्यक्षता में व्यापारियों के संगठनों की बैठक हुई और शनिवार से थोड़ा थोड़ा करके ये मार्केट शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कई ट्रक्स खड़े हैं जिनमें अनाज भरा पड़ा है, वेयर हाउस में अभी ये कल से खाली शुरू होना हो जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ से फिर सप्लाई करना शुरू किया जाएगा। मार्केट की स्थिति, डिमांड और सप्लाई की स्थिति, कालाबाजारी के ऊपर क्या कहा वाशी में जो एक हिस्सा मार्केट का शुरू है, उनमें से कुछ व्यापारियों से हमने बात की, वो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को बताया है। तो देखिए ये पूरा वाशी का जो मामला है मार्केट का और लॉकडाउन का, हम इस खबर में आपको बता रहे हैं। नहीं, आज एक्चुअली मार्केट बंद ही है गुड़ी पड़वा के दिन हिसाब से। वैसे मार्केट खुलने का चांसेस कल से है, यानी 25 तारीख तक तो बंद ही था, 25 के बाद अभी मीटिंग चालू है। एक तो जो माखाड़ी कामगार है वो सब पूरे गाँव चले गए, उसके अलावा थोड़ा प्रोटेक्शन पुलिस का मिलेगा तो ये मार्केट खुलने का चांसेस है। मार्केट में माल भी कम है क्योंकि लास्ट 6 दिन से माल नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से माल जो भी है लोडिंग अनलोडिंग का प्रॉब्लम है, माथाड़ी कामगार साहब नहीं आएंगे तो मार्केट चालू होने का चांसेस बहुत कम है। तो प्रोटेक्शन मिलने का भी ऐसा उम्मीद रखते हैं कि प्रोटेक्शन मिले, लेकिन अभी जो कर्फ्यू और 144 लगा दिया है तो उसका हिसाब से भी चांसेस बहुत कम लग रहा है। तो मार्केट के अंदर अभी जो यहाँ से सप्लाई और डिमांड दोनों की वजह से भाव का कोई इश्यू नहीं है, भाव कम ही है हर चीज़ की, नई फसल के हिसाब से भाव सबका कम है। भाव रिटेल में होलसेल में कभी नहीं बढ़ रहे हैं, रिटेलर कभी कभी चांस ले लेते हैं कि वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर वो लोग का रेट रहता है। अभी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो वो लोग रेट ले रहे हैं। ये माथाड़ी कामगार सब ये डर के वजह से भाग गए, उनके गाँव बीच में 3 दिन बंद भी था, उसके वजह से सब सारे निकल गए, क्योंकि उनके भी जो नेता है उसको भी डर है कि किसी को कोई परेशानियाँ कामगार की आ जाएगी तो पूरा वो उसकी पार्टी और खुद वो तकलीफ में आने का चांसेस देता है। उसके वजह से मार्केट पूरा लॉकडाउन किया गया है, कल अभी मीटिंग चालू है, कल से खोलने का चांसेस है। पुलिस आयुक्त, एपीएमसी, बीएमसी वो सब सारे व्यापारी लोग को सपोर्ट करने के लिए, और आप जीवन जरूरत की आवश्यक वस्तु है तो उसको आप बंद मत रखो, ये समझाने के लिए मीटिंग चालू है। प्रोटेक्शन मिलेगा तो जरूर कल मार्केट खुल जाएगी। माथाड़ी कामगारी नहीं, मार्केट खाली नहीं है, सब लोग नेता लोग बोल रहे दुकान चालू रखो, लेकिन स्टाफ ही नहीं है तो क्या करेगा, दुकान भी जो दुकान चाहे स्टाफ तो चाहिए ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी मार्केट ही बंद है तो माथाड़ी लोग आके भी क्या करेंगे, वो लोगों को कुछ फैसिलिटी चाहिए ना, वो लोगों को तकलीफ है ना, वो लोग बोले आपकी जान के जोखम में नहीं है, जान के जोखम कोई भी आने में तैयार नहीं है सर। अभी तो गिरेगा ना, 21 दिन का बोला है तो गिरने वाले नहीं, थोड़ा 3 दिन हो गए अभी तो कुछ मालूम नहीं कि अभी तो पब्लिक आ रही है लेकिन हम लोग उसको सेवा नहीं दे रहे, पहली बात तो हम सेवा नहीं दे पाते, स्टाफ नहीं है तो क्या करेंगे, उसके मिनिस्टर लोग बोल रहे तो वही करते, नेता लोग तो बोल ही रहे ना फिलहाल तो।